बर्गर और पिज्जा दोनों खाना आप भूल जाएंगे, ऐसी है ये कच्ची दाबेली की रेसिपी। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मुंबई का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड कच्ची दाबेली। बहुत ही टेस्टी बनेगा अगर आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे। और दाबेली बनाने के लिए जो मसाला यूज होता है ना, दाबेली मसाला, वो भी हम घर पर बनाना सीखेंगे। साथ ही जो लाल वाली चटपटी सी तीखी चटनी होती है ना, लहसुन की चटनी, वो भी हम घर पर बनाएंगे। इसके साथ ही मसाला पीनट, जिसको कि शेंगदाना बोलते हैं, ये भी हम घर पर बनाकर तैयार करेंगे। तो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे, सीखेंगे, और इसके बाद में आप घर पर बना पाएंगे बहुत ही टेस्टी दाबेली। तो कैसे इसको बना सकते हैं, इसके लिए आइए सबसे पहले हम दाबेली मसाला बना लेते हैं। तो दाबेली मसाला बनाने के लिए सबसे पहले कोई भी पैन या कढ़ाई लेकर इसमें डालें 2 टेबलस्पून के करीब साबुत धनिया, 1 चम्मच सौंफ डालेंगे, 1 चम्मच जीरा डाला है मैंने, 1 चम्मच साबुत काली मिर्च के दाने 6 से 7, यहां पर लौंग डाली है मैंने। इसके अलावा 1 बड़ी इलायची डाल दें और 2 इंच यहां पर दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, 2 से 3 सूखी लाल मिर्च डालेंगे और 2 तेज पत्ते डाल देंगे। इन सारे मसालों को लो मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। जब ये मसाले भुन जाएंगे, गैस को ऑफ करके इन सारे मसालों को मिक्सी की ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए इसमें खुशबू आने लगी है और हल्का सा ही बस इसको हमने रोस्ट किया है। तो चलिए गैस को ऑफ कर देते हैं और इन मसालों को ठंडा करके ये देखिए मिक्सी के जार में डाल देंगे। तो ये देखिए हमारा दाबेली मसाला पिस चुका है और ये देखिए मैं इसको एक बोल में निकाल लेती हूं इस तरह से। और अब इसमें कुछ चीजें, कुछ मसाले अभी हमें और मिलाने होंगे। तो आप चाहें तो इसका फाइन पाउडर भी बना सकते हैं, मैंने इसको दरदरा रखा है। 1/2 टीस्पून के करीब इसमें डालेंगे सौंठ का पाउडर यानी कि ड्राइड जिंजर पाउडर, 2 पिंच इसमें हींग ऐड करेंगे और इसके अलावा इसमें 1/2 टीस्पून के करीब शुगर ऐड करेंगे। शुगर आप चाहें तो 1 टीस्पून तक डाल सकते हैं। सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करेंगे तो मैंने इसमें लगभग 1 चम्मच नमक ऐड किया है और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब ये हमारा बहुत ही टेस्टी सा दाबेली मसाला बनकर तैयार है। आप इसके इस मसाले को सैंडविच के ऊपर डालकर भी खा सकते हैं, तो ये बहुत टेस्टी लगता है सैंडविच के ऊपर भी। यहां पर देखिए इसको एक बार वापस से हम इसी मिक्सी के जार में एक बार और पीस लेंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सारी चीजें मिक्स हो जाएं और इसका फाइन थोड़ा पाउडर भी बन जाएगा। अब ये हमारा दाबेली मसाला बनकर तैयार हो चुका है। आप इसको किसी भी कंटेनर में भरकर रख सकते हैं और आराम से इसको 1 से 2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। और जब भी आपका मन करे आप दाबेली बनाइए इससे या फिर कोई भी सैंडविच आप इससे बना सकते हैं। तो चलिए दाबेली मसाला बन चुका है, आइए आगे की तैयारी हम कर लेते हैं। तो चलिए अब हम बनाएंगे लहसुन वाली लाल चटनी, जिसके लिए सेम जार लिया है हमने जिसमें हमने दाबेली मसाला बनाया था। और अब हम क्या करेंगे, इसमें लहसुन डालेंगे। तो लहसुन की कलियां मैंने 10 से 12 ली हैं। आजकल मुझे मालूम है लहसुन बहुत ज्यादा महंगी है, मेरे यहाँ तो ये 60 रुपए की 100 ग्राम मिल रही है। आपके यहाँ क्या रेट है लिखकर जरूर बताइएगा। इसमें अब हम ऐड करेंगे तीखेपन के लिए और कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो मैंने 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च डाली है, 1 चम्मच सादा सफेद नमक डाला है और 2 टेबलस्पून के करीब यहां पर भुनी हुई मूंगफली डाली है यानी कि शेंगदाना डाला है। 1/2 कप पानी डालेंगे और ढक्कन लगाकर इसको हम पीस लेंगे। ये देखिए बनकर तैयार हो गई हमारी बहुत ही टेस्टी सी लाल वाली लहसुन की चटपटी तीखी चटनी। इसको हम एक बोल में निकाल लेते हैं और आप आराम से इसको फ्रिज में रखकर 8 से 10 दिन तक इंजॉय कर सकते हैं। आप इसको किसी भी स्नैक के साथ खाइए, चटनी को आप पकौड़ों के साथ खाइए या फिर वड़ा पाव के साथ या फिर इस तरह से दाबेली के साथ किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए हमारी 2 चीजें तैयार हो चुकी है, तीसरी चीज हमारी बाकी है, वो है मसाला शेंगदाना। इसके लिए देखिए शेंगदाने हमने लिए हैं यानी कि हमने भुनी हुई मूंगफली ली है और इसमें हम डालेंगे यहां पर इस तरह से, इसमें दाबेली मसाला 1 से 1.5 चम्मच डाला है और 1 से 1.5 चम्मच ही हम इसमें डालेंगे ऑयल। कोई भी कुकिंग ऑयल आप डाल सकते हैं, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। चाहे तो थोड़ा सा नमक भी आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा नमक और डाल दीजिएगा इसमें, तो नमक थोड़ा एडजस्ट कर लें। और इसके बाद ये हमारे मसाला शेंगदाना भी बनकर तैयार हो चुके हैं। इसमें दाबेली मसाला अपने हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हैं, नमक और मसाले अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे मसाला शेंगदाना भी बनकर तैयार हो चुके हैं, इसको भी हम साइड में रख देते हैं। अब दाबेली बनाने के लिए आप चाहें तो बहुत सारे लोग ना ग्रीन चटनी का यूज भी करते हैं, आप भी चाहें तो इसमें यूज कर सकते हैं। मैंने इसको भी बनाकर साइड में रख लिया है पर मैं इसको यूज नहीं करने वाली। यहां पर देखिए मैंने लिए हैं उबले हुए आलू, तो हम आलूओं का मसाला बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो 250 ग्राम आलू है उबले हुए जिसका छिलका मैंने हटा दिया था। और सारे आलूओं को ना अगर आपके पास टाइम है तो आप इस तरह से कद्दूकस कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो हाथों से ही आप फोड़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो मैंने यहां पर आलूओं को कद्दूकस करके तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, कोई पैन या कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, बहुत ज्यादा ऑयल आपको नहीं लेना है। मैंने यहां पर लगभग 1 टेबल स्पून के करीब ही तेल लिया होगा। फ्लेम को मैंने लो मीडियम रखा है और लो मीडियम फ्लेम पर हम इसमें डाल देंगे यहां पर दाबेली मसाला। तो यहां पर मैं इसमें ऐड करूंगी लगभग 2 चम्मच के करीब दाबेली मसाला, आप चाहें तो ज्यादा भी यूज कर सकते हैं, 2 से 3 चम्मच डाल लें। मैंने 3 चम्मच फाइनली डाल दिया। इसको मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको मिक्स करेंगे। जस्ट हमें मिक्स करना है और ये मसाला जलने ना पाए, इसलिए फ्लेम को आप लो रखें। तो लो फ्लेम पर जस्ट मसालों को हमें अच्छे से तेल में मिक्स करना है और इसके बाद में हम इसमें डालेंगे इमली का पल्प। तो यहां पर नींबू के साइज की मैंने इमली ली थी, उसको मैंने 1 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो दिया था, लगभग 1/4 कप गर्म पानी लिया होगा और उसमें भिगो दिया था। और ये देखिए छानकर इस तरह से इसी मसाले में डाल देंगे, तो इससे हमारा जो मसाला है ना उसको बहुत अच्छी खटास मिल जाएगी। आप चाहें तो अगर आपके पास इमली नहीं है तो आप इसमें 1 चम्मच अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं इमली की जगह, और उसके साथ ही जो अमचूर पाउडर है उसको आप 1/4 कप पानी में अच्छे से घोल लेना और उसके बाद डाल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखिए अब हमने डाल दिया इसमें आलू, साथ ही इसमें जाएगा लगभग 1/2 से 1 चम्मच के करीब नमक। तो नमक आप टेस्ट कर लेना, जितना आपको कम ज्यादा लगे अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। खटास तो इसमें पूरी है और अगर आपको मिर्च भी कम लगे तो आप इसमें मिर्च भी डाल सकते हो। तो बहरहाल इस आलू को हमें बहुत टेस्टी सा बनाना है तो नमक मिर्च आपको एडजस्ट करना होगा। तो इसको बस अच्छे से आप 2 मिनट भून लीजिए, मसाला ये हमारा जो आलू का मसाला है ना ये गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने डाल दिया फाइनली इसमें 1/2 टीस्पून के करीब सॉल्ट, इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। और ये ऐसे ही बिल्कुल इस तरह से लूज सा होता है, हलवे जैसा होना चाहिए। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया हमने और ये हमारा फाइनली आलू बनकर तैयार है। अब गैस को ऑफ कर देंगे और इस आलू को किसी भी एक थोड़ी सी गहरी डिश में निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा इसको डालकर हम फैला देंगे। अब यहां पर जिस तरह से जो स्ट्रीट स्टाइल हम बनाते हैं ना, जैसे कि आप देखते हैं बाजार में ठेले पे आप जब भी दाबेली खाते हैं तो खूबसूरत सी एक प्लेट तैयार करते हैं वो, हमेशा आपने देखा होगा एक बहुत ही रंग बिरंगी सी उनके पास एक थाली होती है जिसको कि वो सजा कर रखते हैं, उसमें से वो आलू का मसाला निकालते हैं, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। तो वो कुछ ऐसा ही हमने यहां पर किया है। ये जो आलू थे ना उसके ऊपर हमने यहां पर डाल दी है मसाला, पीनट्स डाल दिए, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया, थोड़ा सा नारियल घिसा हुआ डाल दिया और फाइनली इसके ऊपर थोड़ा सा पंच के लिए हमने नारियल के दाने भी डाल दिए। अब ये आलू का मसाला हमारा बनकर तैयार हो चुका है, आलू का मसाला तैयार है, यहां पर लहसुन की चटनी भी हमारी बनकर तैयार है, शेंगदाना भी तैयार हो चुके हैं और साइड में यहां पर देखिए हमने पाव को भी रेडी कर लिया। पाव जो आप ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, आप पाव भाजी वाले पाव ले सकते हैं, गोल वाले पाव ले सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए। ये देखिए इस तरह से कट करके हमें बीच में लगानी होगी लहसुन की ये तीखी चटपटी चटनी, साथ ही ये है हमारी इमली की खट्टी मीठी चटनी। इसको भी मैंने घर पर बनाया था, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरा चैनल देख सकते हैं या फिर अगर आप कॉमेंट बॉक्स में लिखकर पूछेंगे तब भी मैं आपको लिंक दे दूंगी। ये भी हमने लगा दी और ये देखिए मसाला अच्छी क्वांटिटी में आपको इसके अंदर भरना होगा। इस तरह से मसाला अच्छे से दबा दबा कर भरिए, जैसा इसका नाम है ना दाबेली, तो दबा दबा कर हमें इसका मसाला इसके अंदर भरना है। वापस से इसके अंदर डाल दीजिए थोड़े से शेंगदाना यानी कि मूंगफली, थोड़ी सी प्याज भी डाल देंगे और वापस से इसके ऊपर इस तरह से मसाला भर देंगे। तो अच्छे से बस अब इसकी हमें इस तरह से अंगूठे की सहायता से इसको बंद कर दीजिए। आप चाहें तो इसको किस थोड़ा सा ना तवे के ऊपर ऑयल या बटर लगाकर थोड़ा सा इसको दोनों साइड से सेक भी सकते हैं, पर मैं इसको इस तरह से ही रखूंगी। कच्ची दाबेली हमने बनाई है तो हम इसको इसी तरह से रखेंगे और बस इसके ऊपर इस तरह से थोड़ा सा आलू के ऊपर लगा दीजिए थोड़ी सी भुजिया, कोई भी आप सेव ले सकते हैं, कोई भी सेव लगा सकते हैं। और बस ये फाइनली हमारी कच्ची दाबेली बनकर तैयार हो चुकी है, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बनी है और बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है इसका। आप भी इसको घर पर बिल्कुल ऐसे ही बनाकर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसका। तो माउथ वाटरिंग बहुत ही टेस्टी झटपट बनने वाली हमारी यहां पर कच्ची दाबेली मुंबई स्ट्रीट फूड बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसको स्नैक के फॉर्म में खाएं, लंच के फॉर्म में खाएं, डिनर के टाइम खाएं, कभी भी खा सकते हैं। बहरहाल मेरे तरीके से ही बनाइएगा, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। कैसा लगा ये वीडियो लिखकर जरूर बताएं, बनाने के बाद में फीडबैक जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलती हूं ऐसी ही नई नई रेसिपीज और होम रेमेडीज के साथ। बाय बाय।